हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने केंद्र द्वारा जारी कोरोना की गाइडलाइन के चलते शनिवार को लगने वाला जनता दरबार अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया है। वहीं आज फिर भारी संख्या में फरियादी अपनी फरियाद लेकर उनके निवास स्थान पर पहुंचे, जहां पर गृह मंत्री के पीए ने सभी फरियादियों की अर्जी ली और उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी समस्या गृह मंत्री अनिल विज तक पहुंचा दी जाएगी। इस मौके पर शास्त्री कॉलोनी के गेट के बाहर भारी संख्या में डीएसपी राम कुमार की अध्यक्षता में भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। अमरप्रीत है, मैं पंचकुला से आई हूँ और कोरोना की वजह से यहाँ पे एप्लीकेशन मैंने दे दी है और यहाँ पे अभी मंत्री जी नहीं, अभी नहीं मिले, तो कोरोना की वजह से वो उन्होंने एप्लीकेशन ले लिए, फिर वो कार्रवाई बाद में करते हैं। सैटिस्फाइड हो आप? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एप्लीकेशन अभी डीएसपी सर आए थे उनको दिए। नवजोत सिंह, मैं पंचकुला से। यहाँ सर मैं आया था सिस्टर के लिए, आया था सिस्टर की उसकी कंप्लेंट थी एक, वहाँ पे थाने में दे रखी थी पंचकुला, किसी ने कुछ नहीं किया तो हार के इनके अनिल विज जी के पास आए हैं। बाकी देखो अब दरबार नहीं लगा, कोई बात नहीं, उनके जो पीए साहब डीएसपी साहब उन्होंने कंप्लेंट ले ली सबकी, अगर इस पर जल्दी से जल्दी रिप्लाई हो जाए तो बहुत बढ़िया। हाँ देखो रिजल्ट के ऊपर, अगर रिजल्ट आ गया तो फिर तो ठीक है, नहीं है तो फिर पड़ी रहेंगी। दरबार था जो कोविड की वजह से पोस्टपोन हो गया, और फिर भी जो लोग जिनको नहीं पता चला था वो आए हुए थे। मंत्री जी ने अपने पीए समीर और अपने ऑफिशियल को भेजा है और आए हुए लोगों की कंप्लेंट वगैरह लेके कंसर्न जगह कार्रवाई के लिए मूव कर रहे हैं और लोगों को बता दिया भाई ये जब तक कोविड रहेगा आगे आदेश तक दरबार नहीं चालू होगा, जब भी ये कंट्रोल में होगा दरबार लगेगा, आप अपनी बात रख सकते। लोग सेटिस्फाई होके अपनी अपनी कंप्लेंट्स दे के चले गए। नहीं 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 कोई बात ही नहीं है, शांति से आपके सामने सभी लोग आए, उनकी वो कंप्लेंट दी, उनकी बात को सुना, चले गए।